बात करेंगे मुंगेर बरियारपुर प्रखंड बरियारपुर चौक पर एनएचएस राष्ट्र राजमार्ग पर लगभग महीनों के 20 दिन जाम इसी तरह रहता है। आखिर किस कारण से जाम होता है, हम इसको दिखाने की पूरा प्रयास करेंगे। ये जो देख रहे हैं बरियारपुर का बदशाही पुल, बरियारपुर की बदशाही पुल सिंगल लाइन का है, जिसके कारण से यहाँ पर भीड़ लग जाता है। जब ये भीड़ भरकम पर लंबा चौड़ा गाड़ी वाहन गुजरती है तो इस पर सिंगल ही गाड़ी गुजरती है, ना कि डबल लाइन का। पूरा अंग्रेज टाइम का बना हुआ है, लगभग जर्जर हो चुका है पूरा खंडरा। देखिए इस वीडियो के माध्यम से पूरा खंडरा बन गया है। जब तक इस मनी नदी पर बरियारपुर बदशाही पुल के ऊपर चौड़ीकरण नहीं होगा, तब तक यहाँ के नागरिक इसी तरह भीड़ भरकम जाम से जूझते रहेगा। यहाँ के व्यक्ति काफी परेशान रहते हैं। जब से मुंगेर की कृष्ण सेतु पुल चालू हुआ है तब से यहाँ की और दुर्गति हो गया है। लगभग हमको सूचना मिलते रहता है बरियारपुर के बारे में, अगर यहाँ पर चौड़ीकरण हो जाएगा तो यहाँ की परेशानी दूर हो जाएगा लगभग। ये अंग्रेज टाइम का पुल है, अब तक इस पुल को बाल बाका नहीं हुआ है। महीना में कितना दिन आप गुजर रहे हैं? महीना में 300 दिन हम आते जाते हैं, अकेली जाम लगा रहता है। इसी तरह कारण क्या है? कारण ये कि छोटा पुल है, बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है, इसलिए मेरा तो घर है यहाँ दीवानी कलम है, परमा दीवानी कलम मेरा घर है। हम ट्रैक्टर जाते रोज चलाते हैं स्टेशन जाते गिराने के लिए। इसके लिए यहाँ के प्रशासन पदाधिकारी कुछ हेल्प करता है जाम छुड़ाने? रहता है प्रशासन, रहता है, ऐसा नहीं रहेगी, रहता है जाम छुड़ाने के लिए। मुंगेर बरियारपुर प्रखंड बरियारपुर चौक पर तीनों तरफ से मुंगेर भागलपुर खड़गपुर की तरफ से इतना भीड़ लगता है कि लगभग तीनों क्षेत्रों में 1 किलोमीटर अप 1 किलोमीटर डाउन में भीड़ जाम लगता है, ना कि सिर्फ बरियारपुर चौक बाजार में लगता है। हालांकि यहां के स्थानीय व्यक्तियों से कई तरह के बात विचार करने मुताबिक से जानकारी ये भी मिला है कि जब से मुंगेर मिर्जा चुकी न्यू 4 लाइन हाईवे रोड चालू हो जाएगा तो इस रोड लाइन का जाम कुछ कम होगा। बरियारपुर चौक की चारों तरफ की हालात इसी तरह है, जब कोई इमरजेंसी पर जाएगा एम्बुलेंस आएगा तो पेशेंट की क्या हाल होगा। जब इस तरह के घंटों 2 घंटा भीड़ रहता है जाम का तो उसमें पेशेंट का क्या हाल होगा। नहीं तो 4 लाइन से जाने की व्यवस्था है, ना तो कोई दूसरा वाहन है, नहीं तो मुंगेर भागलपुर में हवाई प्लेन जहाज उड़ान भरने की सुविधा है, ताकि वहां से भी कोई जरूरी इमरजेंसी पड़ेगा तो इस एरिया की व्यक्ति चला जाएगा जहां मर्जी होगा तहां। ये सब कुछ नहीं है, जब तक न्यू 4 लाइन हाईवे रोड चालू नहीं होगा तब तक यही हाल होगा। होगा चालू तो और ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ये देखिए खड़गपुर की ओर से भीड़ है, लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी से जाम है। इसी तरह मुंगेर से खड़गपुर की ओर ये जाम है और यहाँ से मुंगेर से भागलपुर की तरफ जाम है, यानी तीनों तरफ 3 किलोमीटर लंबा दूरी से भीड़ है, ना कि सिर्फ बरियारपुर चौक बादशाही पुल पर है। बरियारपुर सुल्तानगंज खड़गपुर नवागरी जाने के लिए पैसेंजर को लगभग 2-3 घंटा बीत जाता है, जबकि आधा घंटा में हर पैसेंजर व्यक्ति लोकल आदमी अपना घर पहुंच जाता है। जाम इतना लंबा चौड़ा महाजाम है, जो एक बार इस रूट से गुजरेगा वो दोबारा नाम नहीं लेगा। इससे अच्छा है कि पैदल चल जाएगा वो बेस है, या तो ज्यादा से ज्यादा होशियार रहते मुंगेर मिर्जा चौकी न्यू 4 लाइन हाईवे रोड से निकल जाएगा।